अब ये फंक्शनल डिकम्पोजिशन उन्होंने बताया हुआ है, उससे आप फैमिलियर हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी तो हम उसको ग्रामेटिकल पार्स करते हुए इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो मेथड्स हैं, लाइंस ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट। ये एक एग्जाम्पल है, इसको जरा गौर से देखें। फंक्शन एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ एस्टिमेटेड लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। फंक्शन क्या है? कि आपकी एप्लीकेशन में कौन कौन से फंक्शंस हैं। हर फंक्शन के लिए कितने लाइंस ऑफ कोड लग रहे हैं? जैसे फर्स्ट उन्होंने कहा है यूजर इंटरफेस एंड कंट्रोल फैसिलिटी है। यूजर इंटरफेस और कंट्रोल फैसिलिटी के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 2,2300 लाइंस ऑफ कोड। टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। हर मॉड्यूल के लिए, हर सॉफ्टवेयर के पार्ट के लिए उन्होंने लाइंस ऑफ कोड आइडेंटिफाई किए। टोटल लाइंस ऑफ कोड कितनी बन रही, उसके बाद हमारे पास पूरी एप्लीकेशन का साइज आइडेंटिफाई करना पॉसिबल हो जाएगा। सो टोटल लाइंस ऑफ कोड कितनी लग रही है? 33,200। नेक्स्ट चीज क्या है? एवरेज प्रोडक्टिविटी फॉर सिस्टम्स ऑफ दिस टाइप। प्रोडक्टिविटी क्या है कि नॉर्मली हमें कितना टाइम लगता है इस तरह का सिस्टम डेवलप करने में, ठीक है? उन्होंने कहा है 620 लाइंस ऑफ कोड पर पर्सन मंथ। एक पर्सन मंथ में हम 620 लाइंस ऑफ कोड आमतौर पर डेवलप करते हैं। देन बर्डन लेबर रेट, लेबर रेट क्या है? $8,000 पर मंथ। कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड क्या बनी? ठीक है, $8,000 पर मंथ देना है, तो कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड उन्होंने कहा है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो उन्होंने बता दिए डिसाइड करके, दैट इज 13। तो टोटल लाइन ऑफ कोड हमारे पास 33,200 है। उसके लिए अब हमारी टोटल कॉस्ट क्या बनेगी, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से। उसके बाद एस्टिमेटेड एफर्ट बतानी है, और एफर्ट कितनी है पर्सन मंथ। पर्सन मंथ कहाँ से पता चल रहे हैं? 54 पर्सन मंथ उन्होंने कहा है, और पर्सन जितने हैं और मंथ कहाँ से ये वैल्यू निकली है? ये हमने जो प्रोडक्टिविटी थी 620 लाइंस ऑफ कोड पर पर्सन मंथ, 1 पर्सन मंथ में हम 620 लाइंस ऑफ कोड कर रहे हैं, और 33,200 लाइंस ऑफ कोड में हमें कितने पर्सन मंथ चाहिए? वो 54 है। ये चीज हमने आफ्टर कैलकुलेशन निकाली है। दूसरा तरीका जो हमारे पास है, दैट इज फंक्शन पॉइंट। ठीक है, फंक्शन पॉइंट में हम पांच चीजों को कंसिडर करते हैं। एक चीज हमारे पास उसमें है इनपुट्स, यूजर की तरफ से या किसी और एप्लीकेशन की तरफ से कितनी नंबर ऑफ एक्सटर्नल इनपुट्स जा रही है सिस्टम में। देन नंबर ऑफ एक्सटर्नल आउटपुट्स, एक्सटर्नल आउटपुट्स कितनी आई हैं। आउटपुट्स मतलब कि हमने, मैंने कोई चीज लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट दी थी और लॉगिन होके रिजल्ट आ गया है, ठीक है, या मैंने कहा सेव करो और उसने मुझे शो कर दिया कि वैल्यू सेव हो गई। देन देयर आर नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंक्वायरीज। इंक्वायरीज क्या है कि मेरे यूजर की रिक्वेस्ट पर कोई एक ऑनलाइन आउटपुट जनरेट हुई है, जैसे मैंने कहा कि सॉर्टिंग कर दें या कोई चीज सर्च कर लें। तो जो चीज रेडीली अवेलेबल नहीं है और सॉफ्टवेयर उस वक्त कैलकुलेट करके ला रहा है, इंक्वायरी है, ठीक है। अब इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं और इंक्वायरीज हैं। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं। आप लोगों ने C++ के जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उसमें फाइल हैंडलिंग की होगी, सिस्टम में कितनी फाइल्स हैंडल हो रही हैं आजकल। अब हम क्या यूज करते हैं? डेटाबेसेस। डेटाबेसेस में कितने टेबल्स बने हैं, वो हमारी इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं।
जैसे एक एम्प्लॉय का टेबल अलग बन गया, उसकी अः उसका केडर क्या है या उसका ओवर टाइम क्या है, उसका टेबल आप अलग कर लेंगे और फिर उसकी सैलरी कैलकुलेट करेंगे वो अलग हो जाएगी। या अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का टेबल अलग गया, उसकी ग्रेड बुक अलग गया, उसके कोर्स अलग है, टीचर अलग है, ये सब चीजें जो कि हम सेपरेट फाइल्स में सेव करते हैं, सेपरेट डेटाबेसेस के टेबल्स में सेव करते हैं, वो अलग अलग उसमें जा रही है। देन देर आर नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स क्या है, जो किसी और सिस्टम से एक्सेस हो रही है, किसी और सिस्टम से वैल्यूज आ रही हैं। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमने ये अपनी एप्लीकेशन जो है इंटीग्रेट की भी है फेसबुक के साथ या व्हाट्सएप के साथ, तो ये जो चीज है वहां से जो डेटा उठ के आ रहा है, कितनी एक्सटर्नल इंटरफेसेस के साथ हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, वो हम एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स में काउंट करते हैं। उसके बाद हम एफ पी को टोटल को कैलकुलेट करते हैं। वो एफ पी एस्टिमेटेड एफ पी कैसे काउंट होता है, काउंट टोटल उन्होंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 0.65 प्लस 0.01 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एफ आई। ये एफ आई क्या है, अब हम देखेंगे कि हमने इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें पुट करनी है। सम ऑफ एफ आई उन्होंने एक वैल्यू यूज की है, सम ऑफ एफ आई क्या है, 14 क्वेश्चंस हैं जिसकी हमने रेटिंग करनी है। ठीक है, इसकी रेटिंग का मतलब क्या है कि 1 से 5 हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं। ये 14 क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमने इसको ग्रेड करना है, अगर हमें ये वैल्यू चाहिए नहीं चाहिए, किस हद तक चाहिए, कितनी अच्छी चाहिए, जितनी अच्छी चाहिए। यानी कि आप कहते हैं आपने एक एप्लीकेशन ऐप का रिव्यू दिया उस पे प्ले स्टोर पे, आपने उसको 5 स्टार्स दिए, 5 स्टार्स मतलब कि ये बेस्ट है, और 0 का मतलब, ये 1 स्टार का मतलब है कि ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है इसकी, ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी है, आपका सबसे कम रेट आपने उसको दिया है, रिव्यू दिया है। तो यहाँ पर भी हम रेटिंग कर रहे हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर हमें वो फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, जैसे इन्होंने कहा है ऑनलाइन डेटा एंट्री रिक्वायर्ड, इस परफॉर्मेंस क्रिटिकल, इन सब क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, इनके आंसर देंगे, 0 से 5 तक उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। अगर कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो उसको हम 0 असाइन कर देंगे। फिर एक और चीज इस फॉर्मूले में क्या है, काउंट टोटल। काउंट टोटल कहाँ से आएगा, यहां से। ये कुछ वेट्स हैं, ये जो टेबल है सिंपल एवरेज कॉम्प्लेक्स, ये हमें गिवन होता है। ठीक है, सिंपल एप्लीकेशन के लिए क्या वैल्यूज होंगी, एवरेज के लिए और कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, ये वेट्स हैं, वेट यहां से आएगा। उसके बाद हमने काउंट करना है क्या चीज, एक्सटर्नल इनपुट कितनी है, एक्सटर्नल आउटपुट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया है, क्या चीज एज्यूम कर ली है, नंबर ऑफ इनपुट्स, आउटपुट्स और इंक्वायरीज। ठीक है, उनको एज्यूम किया, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम हमने कहा वेट का हम सिंपल वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, हमने सिंपल वैल्यू सिलेक्ट की, और उन वैल्यूज को जो हमने एक्सटर्न, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एक्सटर्नल इनपुट जो है वो 4, और सिंपल एप्लीकेशन है तो मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट्स कितनी है, फॉर एग्जाम्पल जो हमें केस स्टडी गिवन थी उसमें एक्सटर्नल आउटपुट्स जो है वो 5 थी, तो वो जो 5 है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय विद सिंपल का कॉलम, क्योंकि हमने सिलेक्ट किया हुआ, तो उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक्सटर्नल इंक्वायरीज कितनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, सो ऑन। इंटरनल फाइल्स के लिए भी और एक्सटर्नल फाइल्स के लिए भी हम यही काम करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके इनको सम कर लेंगे, तो वो जो सम आएगा हमारे पास वो हम काउंट टोटल में यूज करेंगे। इस टेबल में इन्होंने एक और फॉर्मूला भी यूज किया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक लाइकली और पेसिमिस्टिक। ठीक है, इन्होंने कहा है नंबर ऑफ इनपुट्स की वैल्यू ऑप्टिमिस्टिकली क्या हो सकती है, 20, मोस्ट लाइकली क्या हो सकती है, 24, और अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट देखें, कंजर्वेटिव मतलब हम कहें कि बहुत सारी लाइंस ऑफ कोड लग सकती हैं, तो पेसिमिस्टिक एस्टिमेट उसका क्या है, 30, 20 प्लस मोस्ट लाइकली वाली जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पेसिमिस्टिक वाली वैल्यू डिवाइड कर देंगे इसको 6 से। ठीक है, तो फिर हमारे पास, अच्छा ये वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को स्लाइड्स दे दूंगी और
और लास्ट टाइम जो हमारी स्केड्यूलिंग वाली स्लाइड थी उसमें भी वो फॉर्मूला रिटन था कि हम लोग ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक वैल्यूज हम एज्यूम कर सकते हैं और उनकी बेसिस पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इन एनी केस हमारे पास जो यहाँ से काउंट आएगा काउंट टोटल, उसको हम इस फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे। काउंट टोटल में सम ऑफ एफ आई की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से। इन 14 क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद किसी की वैल्यू, किसी का रेट मैंने 2 रख दिया, 1 रख दिया, 4, 5, ये जो 2, 1, 4, 5 आ रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर, इनको हम सम करेंगे, इसको सम ऑफ एफ आई में प्लेस करेंगे और फाइनली हमारे पास एफ पी आ जाएगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या है, लेबर रेट क्या है, उससे हमने एफर्ट और कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो क्या चीज हमें गिवन है, प्रोडक्टिविटी गिवन है और कॉस्ट पर एफ पी गिवन है, वहां से हमारे पास प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट और एफर्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल्स आज अपलोड कर देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, इसको आप अच्छी तरह गो थ्रू कर ले, और फिर आपको न्यूमेरिकल्स की या फॉर्मूले की कहीं पे समझ नहीं आएगी तो फिर मैं आपको उसके साथ उसकी आंसर करूंगी, फिर आपको उसका क्लियर हो जाएगा। तो आप इसके लिए मुझे क्वेश्चन जरूर सेंड करें, मे बी आफ्टर रीडिंग इट ईमेल सेंड कर दें ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि इसके लिए डिफरेंट है तरीके हो बहुत सकते है आज के लिए। हैं, साइजिंग हो सकती है, फंक्शन पॉइंट साइजिंग हो सकती है। जी, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, शुरू में इसकी सारी थ्योरी थी, आज के लिए भी इनफ नहीं हुआ है क्योंकि शुरू में सारी थ्योरी थी कि एस्टिमेशन हम क्यों कर रहे हैं, और उसका 2 लाइंस में आंसर यही है कि हमने प्रोजेक्ट प्लान करना है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज एस्टिमेट करने हैं, साइज ऑफ द प्रोडक्ट एस्टिमेट करना है। ठीक है, उसके बाद असल मेथड यही है, ये जो 2-3 स्लाइड्स थी कि फंक्शन पॉइंट में क्या क्या चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 14 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स आउटपुट्स और इंक्वायरीज हैं, तो ये चीज यहाँ पर ही आके मेनली शुरू हुई है। इसको आप जाके देखेंगे, ये बहुत थोड़ी सी स्लाइड्स हैं और बहुत थोड़ा सा ही इससे रिलेटेड काम है। इसके बाद इन्होंने बताया कि एस्टिमेशन के लिए फजी लॉजिक साइजिंग हो सकती है, कि हम फजी लॉजिक क्या है कि उसका हम मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाई करेंगे, कितना बड़ा और कितना छोटा है। ये इसी तरह से हो सकता है कि मैं कहूँ आप ऑन अ स्केल ऑफ 5 बताएं कि आपने जो एप्लीकेशन बनानी है वो कितनी बड़ी है, तो एक पर्सन कह रहा है कि 5 है, 5 मतलब बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, एक पर्सन कह रहा है 1 है, एक पर्सन कह रहा है 3 है, 1 मतलब बहुत छोटी है, 3 मतलब मीडियम साइज की एप्लीकेशन है, तो ये फजी लॉजिक हो जाएगी कि एग्जैक्टली नहीं हम बता रहे। फिर फंक्शन पॉइंट से रिलेटेड साइज हो सकते हैं, जैसे 300 फंक्शन पॉइंट है, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स कितने हैं उससे हम मेजर कर सकते हैं। चेंज साइजिंग होती है जब हम मेंटेनेंस फेस में जाते हैं कि हमने कितनी नंबर ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड है और किस तरह की चेंजेस रिक्वायर्ड है, उस वक्त हम दोबारा एस्टिमेट करते हैं कि ये चेंज की रिक्वेस्ट आई है, क्या हम वाकई ये चेंजेस ऐड करेंगे और कितनी चेंजेस ऐड होंगी, कितना टाइम लगेगा, तो ये सारा दोबारा प्लान बनता है। अच्छा, ये वो एस्टिमेशन वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बता रही थी, ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। इसमें जो मोस्ट लाइकली वाली मीडियम की टर्म है, एस एम है, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है और हमने आउट ऑफ 6, अब ये क्या चीज कैलकुलेट हुई है, डिवाइडेड बाय 6 कर दिया टोटल को, तो हमने एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की है साइज की। एवरेज कैसे हो गई, क्योंकि मीडियम की हमने 4 वेटेज कर दिया है, ऑप्टिमिस्टिक की 1 वेटेज है और पेसिमिस्टिक की 1 वेटेज है, तो ऊपर 6 वैल्यूज है इसलिए डिवाइडेड बाय 6 किया है, तो ये एवरेज साइज ऑफ द प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। सेम फॉर्मूला कैन बी कैलकुलेटेड कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें 2 वीक्स लगेंगे या 3 वीक्स लगेंगे, कोई कह रहा 4 वीक्स लगेंगे, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसमें भी हम एक क्योंकि कोई ऑप्टिमिस्टिक होके सोच रहा है, कोई पेसिमिस्टिक होके सोच रहा है, कोई कह रहा है 3 हफ्ते तो जरूर लगने हैं, तो आप उसके लिए डिवाइड बाय 6 कर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मीडियम वैल्यू को और डिवाइड बाय 6 करके एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम के लिए भी। इसके बाद लाइंस ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन है, ये एक एग्जाम्पल है, इसको आई रिकमेंड कि इसको भी आप, हाँ जी
मैम, ये ऑप्टिमिस्टिक और ये जो पेसिमिस्टिक जो आपने कहा, ये असल में टाइमिंग हो गया, इसका मतलब क्या हुआ आपने टाइम? ये मैंने आपको भी बताया है, ऑप्टिमिस्टिक साइज क्या होता है, मतलब ऑप्टिमिस्टिक मतलब ये है कि अगर मैं फ्लेक्सिबल, मैं बिल्कुल ठीक ठीक सोच रही हूँ, नॉर्मल के या थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके सोच रही हूँ कि इतना मिनिमम लगेगा तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, फिर मीडियम वैल्यू है, और पेसिमिस्टिक है कि मैं सोच रही हूँ कि नहीं, इसमें तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगी और इसका साइज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लाइन्स ऑफ कोड इसके लिए चाहिए, वो पेसिमिस्टिक है। मोस्ट लाइकली क्या है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि एवरेज इतना जरूर होगा, राइट? जैसे भी मैंने टाइम की एग्जांपल दी है कि कोई कह रहा है 2 वीक्स लगेंगे, 2 वीक्स क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। फिर कोई कहता है नहीं, 3 वीक्स जरूर लगते हैं इस तरह की कंडीशन में, और कोई ये कह रहा है कि इसमें 4 वीक्स होना चाहिए टाइम, ताकि हम थोड़े रिलैक्स हों, टाइम मार्जिन मिल जाएगा, कोई रिस्क आएगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे। अब 4, आपको 2 के कंपैरिजन में 4 लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा टाइम, हम इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जबकि 2 वाले ने बिल्कुल एग्जैक्ट ऑन टाइम सब कुछ करने के लिहाज से सोचा होगा। तो 2, 3, 4 उसकी हम एवरेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके ऑप्टिमिस्टिक व्यू यही है कि हम बिल्कुल नॉर्मल होके सोच रहे हैं कि ये टाइम लगना चाहिए, यानी कि इफ एवरीथिंग गोज फाइन देन वी विल बी टेकिंग दिस मच टाइम, एंड मोस्ट लाइकली क्या है कि एवरेज टाइम में भी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इतना। पेसिमिस्टिक क्या है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइम रख, सेम थिंग गोज फॉर साइज के लिए, कि मैं कह रही हूँ कि नहीं, हम 100 लाइन्स ऑफ कोड कर लेंगे, एक पर्सन कह रहा है कि नहीं इसके लिए 200 लाइन्स ऑफ कोड चाहिए, और एक कह रहा है कि नहीं थोड़ा मार्जिन भी रखें और फिर हमें 400 लाइन्स ऑफ कोड चाहिए। तो ये जो चीज है उसको उसने बताया हुआ कि उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, हम उसके लिए एक एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसको आप लोग अभी देखिए और अपने पास नोट करें, यूजर स्क्रीन्स के लिए लाइन ऑफ कोड है 3000, कोर्स रजिस्ट्रेशन, एक प्रॉब्लम थी किसकी, वर्चुअल क्लासरूम की, उसके लिए उन्होंने ये फंक्शनैलिटीज आइडेंटिफाई की हैं, पर हर फंक्शनैलिटी के लिए उसने लाइंस ऑफ कोड एस्टीमेट बताए हैं, यूजर स्क्रीन के लिए, कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए, अटेंडेंस के लिए, लेक्चर्स और स्टूडेंट क्वेरी के लिए, ठीक है। 3000 प्लस 1550 प्लस 1800 प्लस 3000 प्लस 800, इसको जरा अभी टोटल करें क्या बनता है। जी, किसी ने कैलकुलेट किया है? उन्होंने कहा है सपोज करें प्रोडक्टिविटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, 500 लाइंस ऑफ कोड पर पर्सन मंथ, यानी कि एक पर्सन मंथ में वो 500 लाइंस ऑफ कोड प्रोड्यूस करती है, तो क्या आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल एफर्ट क्या होगी? अब एफर्ट क्या होती है, नंबर ऑफ पर्सन मंथ। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन 500 लाइंस ऑफ कोड पर पर्सन मंथ डेवलप करती है एक पर्सन मंथ में, यानी कि 500 लाइंस ऑफ कोड है, तो अभी जो आपने कुछ बताया 10,000 अप्रोक्सीमेटली लाइंस ऑफ कोड के लिए उसे कितने पर्सन मंथ चाहिए? आई थिंक ये बड़ी इजी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। फिर उसने कहा लेबर रेट क्या है, 8,000 रुपीज पर पर्सन मंथ। एफर्ट में अभी हमने टोटल पर्सन मंथ कैलकुलेट किए हैं, उससे टोटल कॉस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे। जी, अब जिन लोगों को नहीं समझ आ रही कि क्या करना था वो देख लें, यूजर स्क्रीन्स की 3000 ये हमें गिवन था, हमने क्या चीज कैलकुलेट की है, टोटल लाइंस ऑफ कोड 10150। फिर एफर्ट कितनी है, उसने बताया कि लाइंस ऑफ कोड कितनी है, हमने भी कैलकुलेट किया है, प्रोडक्टिविटी कितनी है 500, ये 500 कहाँ से आया है, ये 500 यहां से हमें गिवन था,
इससे हमने एफर्ट कैलकुलेट कर ली है जो कि 20.3% मंथ है या 21% मंथ है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? हमने कहा था पर्सन मंथ क्या होता है, कितने लोग कितने महीने तक काम करेंगे। अब इसमें मुझे बताएं कि कितने लोग कितने महीने तक काम करेंगे पर्सन मंथ के लिए, 21 PM के लिए बता सकते हैं कितने लोग कितने महीने काम करेंगे? अच्छा चलो, टेक इट एज योर असाइनमेंट, आप इसको देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे। किसी भी टाइम पर ईमेल कर दें मुझे या इसको पोस्ट कर दें हमारी गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है, कि 21 PM में पर्सन कितने और मंथ कितने हैं। अच्छा चैट में आज साथ देख नहीं रही मैम, 21 में 21 पर्सन है और एक मंथ है। अच्छा लेकिन और कोई बताना चाहेगा? मैम इट डिपेंड्स के हमारे पर पर्सन मंथ में कितने पर्सन आ रहे हैं, ये तो आपने बताना है ना, इसी से इसी को देख के बताना है डिपेंड किस पे करता है। 21 PM में कंप्लीट आंसर है, कितने पर्सन और कितने मंथ क्या लगता है कितने होंगे? चले अच्छा, और मैं दूसरा आपको बता रही थी कि आज मैं चैट साथ साथ नहीं देख रही हूँ, तो आप मुझे माइक से बता सकते हैं। अच्छा चले, इसको अब आपने जाके इसके ऊपर गौर करना। उसके बाद उसने कहा है कि कॉस्ट क्या है, रेट उसने दिया हुआ था 8,000 का, पर्सन मंथ हमारे पास 21 आ गए हैं, तो उसने वहां से टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली है। कॉस्ट पर लाइंस ऑफ कोड भी हम फिर कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लाइन ऑफ कोड की कॉस्ट क्या है, वो 16.55 रुपीज है, ठीक है। एंड आई होप कि ये कॉस्ट पर एलओसी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसी को अगर नहीं समझ आ रही वो जाके गौर फिक्र करे, नहीं पता चलता तो फिर हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा उसके बाद दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, अभी जो हमने एफटी कैलकुलेट की है उन्होंने एक एग्जांपल बताई है कि स्टूडेंट कैन बी रजिस्टर्ड, स्टूडेंट कैन ऐड अपडेट, स्टूडेंट कैन व्यू कोर्सेज, स्टूडेंट कैन इंक्वायर हिज हर रजिस्ट्रेशन स्टेटस। ये कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये काउंट बताया है और फिर उन्होंने कहा है कि सिंपल टाइप का प्रोजेक्ट है ये टेबल जो है, सिंपल एवरेज कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये गिवन होगा। इनपुट अब इसमें कितनी है, 3, यहां से इनपुट्स आई है, रजिस्ट्रेशन की इनपुट, ऐड की इनपुट, अपडेट की इनपुट, ठीक है। आउटपुट कितनी है, 4, ये वो हर चीज को व्यू कर रहा है, कोर्स व्यू कर रहा है, रजिस्ट्रेशन व्यू कर रहा है, ऐड अपडेट व्यू कर रहा है। इंक्वायरी कितनी है, 1, कि वो अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस इंक्वायर करेगा कि हो गई या नहीं हुई, तो वो इंक्वायरी है। इंटरनल फाइल्स कितनी है, 4, और एक्सटर्नल फाइल कोई नहीं है, किसी एक्सटर्नल सिस्टम की बात नहीं हो रही इसमें, ठीक है। सिंपल वाला कॉलम लिया, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 1 × 3 = 3, 4 × 7 = 28 आ गया, 0 × 5 = 0 आ गया। यहां से हमें क्या मिलेगा, वो जो उस फॉर्मूले में लिखा हुआ था काउंट टोटल, ठीक है, 9, 16, 3 और 28 को अब हम ऐड कर देंगे। उसके बाद उसने एज्यूम किए हैं इन 14 क्वेश्चंस के आंसर्स, इनके बारे में केस स्टडी गिवन नहीं थी, कम से कम इन स्लाइड्स में कोई मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, तो ये एज्यूम्ड है, अजम्पशन है। किसी को 3 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, 0 दे दिया, उसने एज्यूम कर लिया कि क्या परफॉर्मेंस क्रिटिकल है। एक सिंपल सा सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन जा रही है, बैकअप रिकवरी चाहिए तो 3 दे दिया, परफॉर्मेंस क्रिटिकल है 2 दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग फंक्शन है, ऑनलाइन डेटा एंट्री है नहीं है, 0 दे दो, इस तरह की चीजें 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। एज सच आपको इसकी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन उसने एज्यूम कर लिया है ये 14 क्वेश्चंस के आंसर्स। फिर हमने इसका सम ले लेना है, 3 + 2 + 0 + 2 + 1 एंड सो ऑन, इन सबको काउंट कर लिया। ये जो सम आया ये यहाँ पे चला जाएगा 29,
यहां से जो काउंट टोटल आया 9 + 16 + 3 + 28, ये काउंट टोटल यहां पे चला गया एफ पी एस्टिमेटेड। अब हमें यहां से इस फॉर्मूले से 0.65 जो है ये गिवन है, यानी ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये पहले थ्रू रिसर्च समहाउ बना हुआ है, तो 0.65 गिवन है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। प्लस 0.01 ये भी हमेशा गिवन है, ये फॉर्मूले की वैल्यू है, ये भी इसी तरह रहेगी। और यहाँ से हम एफपी कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज प्रोडक्टिविटी इज 5 FP पर पर्सन मंथ इफ, तो इसका मतलब है कि गिवन है। फिर वो हमें कह रहा है लेबर रेट इज 8000, कॉस्ट कैलकुलेट करें, तो कॉस्ट इज इक्वल टू लेबर रेट इनटू एफर्ट, वहां से आनी है। और वो हम एफर्ट भी उसकी कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे किस तरह, इस फॉर्मूले से। लाइंस ऑफ कोड, अब लाइंस ऑफ कोड तो नहीं है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एफपी, कौन सा, ये वाला एफपी एस्टिमेटेड। तो हम एलओसी की जगह एफपी एस्टिमेटेड लिखेंगे। पहला तरीका कौन सा था, लाइंस ऑफ कोड की बेसिस पर। दूसरा तरीका कौन सा, ये दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, एक में हमने लाइंस ऑफ कोड से कोई चीजें सॉल्व की हैं, एक में हमने एफपी से सॉल्व की हैं। लाइंस ऑफ कोड का मतलब क्या है कि साइज डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी, एफर्ट का फॉर्मूला असल में क्या है, साइज डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी। साइज लाइंस ऑफ कोड में भी हो सकता है और साइज एफपी में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये जो काउंट निकला था ये डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी हो जाएगा और फिर हमारे पास कॉस्ट और एफर्ट आ जाएगा। इसके बाद कुछ हैं क्वालिटी के मेजर्स, इसको ये बहुत सिंपल सा है, ये सिर्फ एक ही स्लाइड, एक दो स्लाइड्स रह गई हैं, इसको हम देख लेते हैं क्विकली। करेक्टनेस क्या है, द डिग्री टू विच अ प्रोग्राम ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, कितना करेक्ट चल रहा है। स्पेसिफिकेशन क्या है, जो हमने SRS बनाई है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कितनी उस, क्या चीजें उसमें लिखी हुई थी, क्या हमारा सारे सॉफ्टवेयर में वो चीजें कंप्लीटली उसी तरह चल रही है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन चल रही है। अगर नहीं तो वो चीज डिफेक्ट बन जाएगी, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, डिफेक्ट्स पर 1000 लाइंस ऑफ कोड, पर 1000 लाइंस ऑफ कोड कितने डिफेक्ट आए हैं, वो क्या चीज बताएंगे हमें, सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस, कितना आपका प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन चल रहा है। देन देयर इज मेंटेनेबिलिटी, हम कहते हैं इजी टू चेंज है, द डिग्री टू विच अ प्रोग्राम इज एग्रीएबल टू चेंज, इजी टू चेंज कितना है, मीन टाइम टू चेंज, उसको हम मेजर कैसे करेंगे, मीन टाइम टू चेंज, उसको मॉडिफाई करने में कितना टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है या ज्यादा टाइम लग रहा है, मीन टाइम टू चेंज कितना है, यानी कि एक एरर आता है आप उसको ठीक करते हैं विद इन 2 days, एक एरर आता है उसको आप ठीक करते हैं 4 दिन में, फिर एक एरर आता है उसको आप ठीक करते हैं 5 दिन में, इनका मीन टाइम हम ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे 3, 4 और 5 की, और वो हमारा जो है वो मीन टाइम निकला है, यानी कि ऑन एवरेज हमें 3 दिन लगते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी प्रोग्राम को चेंज करने में या एरर को ठीक करने में। उसके बाद है इंटेग्रिटी, द डिग्री टू विच अ प्रोग्राम इज रेसिस्टेंट टू आउटसाइड अटैक, थ्रेट एंड सिक्योरिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी क्या है, यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेट आती है, थ्रेट मतलब अनइंटेंडेड यूज ऑफ सिस्टम, थ्रेट क्या है जो हम नहीं चाह रहे कि कोई हमारे सिस्टम के साथ करे कोई ऐसा बिहेवियर, वो थ्रेट है। सिक्योरिटी क्या है कि आपका सिस्टम कहता है पहले लॉग इन करो, आपका सिस्टम कहता है पहले अपना थंब स्कैन करो, ये आपने सिक्योरिटी के मेजर, क्या वो फिर भी एक्सेस कर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रेट क्या है, कितना आपका सिस्टम सिक्योर है, कितना आपके सिस्टम वल्नरेबल टू अटैक है, ये सब ये उन्होंने फॉर्मूले से बताया हुआ है कि इंटेग्रिटी हम उसकी चेक कर सकते हैं, 1 - थ्रेट * 1 - सिक्योरिटी, और उसकी समीशन है, जितनी दफा उसको आप रिपीट करेंगे उतनी दफा आप उसको लेकर ऐड कर सकते हैं। यूजेबिलिटी क्या है, द डिग्री टू विच अ प्रोग्राम इज इजी टू यूज, और ईज ऑफ यूज हम कैसे मेजर करते हैं, इसके लिए क्वांटिटी क्या होगी कि हमने उसके लिए क्या चीज रखी है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लिक्स, कितने नंबर ऑफ क्लिक करने पड़ेंगे, राइट, यानी कि मैंने एक फाइल सेव करनी है तो मैंने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर सेव पे क्लिक करना है, फिर सेव उसका नेम पे टाइप करना है, तो ये यूजेबिलिटी है। अगर मुझे कोई 8-10 स्टेप्स करने हो
एक फाइल को सेव करने के लिए, तो इसका मतलब है कि उसकी यूजेबिलिटी कैसी होगी, शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। उसके बाद है डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे क्वालिटी एश्योरेंस टीम कितने अच्छे डिफेक्ट्स उसमें आइडेंटिफाई कर लेती है या रिमूव कर लेती है। ठीक है, इसमें हम कहते हैं ई डिवाइडेड बाय ई प्लस डी। ई इज फॉर एरर, और एरर्स कौन से जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं फॉर रिमूवल, और उसके बाद ई प्लस डी टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो हमने नहीं रिमूव किए, जो कि हमने डिलीवर कर दिए क्लाइंट को, वो प्लस वो जो हमने रिमूव कर दी, यानी कि टोटल एरर्स कितने हमने कितने रिमूव कर दिए, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय ई, और डिवाइडेड बाय टोटल डिफेक्ट कितने थे। फॉर एग्जांपल 3 हमने रिमूव किए और टोटल डिफेक्ट जो है वो 15 थे। 3 डिवाइडेड बाय 15 इज डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी, कि हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितने डिफेक्ट्स उसमें से रिमूव किए हैं। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है कि उसकी परसेंटेज कितनी है, कितने वो रिमूव कर देती है और कितने रिमूव नहीं करती। ठीक है, अच्छा, इनकी अगर अभी भी समझ नहीं आई इनकी आप डिटेल्स चेक करें, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों ने मुझे बताना है। स्केड्यूलिंग वाले में से भी आप लोगों ने मुझे बताया नहीं है कि सीपीएम वगैरह हो गया था सॉल्व या नहीं हो रहा, उसकी एग्जाम्पल्स करके देखी है आप लोगों ने। मैम आपने जो क्वेश्चन किया था 21 PM का, उसका आंसर है 1% person will work for 21 months तो वो 21 PM हो। अच्छा, ये मुझे आंसर अभी किसी ने पहले भी बताया है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा और सोचे। ठीक है, ये इसको मैं ठीक गलत भी नहीं कह रही और मैं ठीक भी नहीं कह रही, लेकिन मैं ये जरूर कह रही हूँ कि आप इसको जाके सोचें। अच्छा, इसके अलावा अच्छा आप लोग ना अपनी अटेंडेंस रोल नंबर वाइज लगाएं, मुझे बाद में सॉर्टिंग में बड़ी डिफिकल्टी हो रही होती है, तो आप अपनी अटेंडेंस यहाँ पर 1 से 10 वाले जो हैं स्टूडेंट्स पहले वो लगा दें चैट में, और कंप्लीट रोल नंबर लिखें। 1 से 10 में कोई नहीं है प्रेजेंट? अब 10 onward, 10 से 20 वाले लोग लगाएं। अब 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो वो लगा दो। जी आप लोग जा सकते हैं।
एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आर यू देयर? हाँ यहाँ पे कॉफी बीट करने की आवाज आ रही है यार, वो मैं साथ कर रहा था। मैम चली गई है। ओके मैम ऑफलाइन हो गई, चलो ईमेल पे पूछ लेंगे।